हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ कॉफ़ी केक की रेसिपी। एंड फ्रेंड्स, इस केक के बेस में मैं मैदा यूज़ नहीं करूँगी। आप में से कितने लोग मैदा प्रेफर नहीं करते हो? सो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आज गेहूँ के आटे का बेस बनाऊँगी। एंड फ्रेंड्स, वो जो बेस होगा बिल्कुल बेकरी स्टाइल होगा, उसका टेक्स्चर और उसका टेस्ट मैदे से बिल्कुल भी कम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाएं। गेहूँ के आटे का बेस बनाने के लिए मैं सबसे पहले वाटर लूँगी और फ्रेंड्स, मैं इसमें शुगर डाल दूँगी और इस शुगर को मैं स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मिक्स करके कम्प्लीटली डिसॉल्व कर दूँगी। आप चाहे तो इस ग्रैनुलेटेड शुगर की जगह पे कैस्टर शुगर या पाउडर्ड शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब मैं इसमें केक जेल डालूँगी। सो फ्रेंड्स, केक जेल एग रिप्लेसर है। एंड फ्रेंड्स, मैं इसे विस्क की हेल्प से अच्छे से मिक्स करूंगी। एंड फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं इसे मिक्स करूंगी, आप देखेंगे कि इसमें फ्रॉदीनेस आना स्टार्ट हो जाएगा, ये अच्छा सा फ्रॉदी होने लगेगा। सो फ्रेंड्स, आप इसे बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अच्छा सा फ्रॉदी हो चुका है। तो अब मैं इसमें गेहूँ का आटा डालूंगी। आप चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं सेम क्वान्टिटी में। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी, मिल्क पाउडर डालूंगी। एंड फ्रेंड्स, मैं इसमें बेकिंग सोडा डालूंगी और फ्रेंड्स, मैं इसे भी अच्छे से विस्क की हेल्प से मिक्स करूंगी। आप चाहें तो बीटर से मिक्स कर सकते हैं इसे। सो फ्रेंड्स, मैं इसे तब तक मिक्स करूंगी जब तक कि ये बैटर बिल्कुल लम्प फ्री और स्मूथ ना बन जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बैटर बिल्कुल लम्प फ्री और स्मूथ बन चुका है। तो अब मैं इसके साइड्स को स्पैचुला की हेल्प से क्लीन कर लूंगी। एंड फ्रेंड्स, मैं इसे एक से दो बार स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मिक्स करूंगी। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी एंड मैं इसमें वनीला एसेंस डालूंगी और फ्रेंड्स, मैं इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी स्पैचुला की हेल्प से। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हाफ पाउंड मिनी केक बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे एक पाउंड का बना सकते हैं इस रेसिपी को डबल करके। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट है, ये रिबन कंसिस्टेंसी में है। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं केक टिन लूँगी 4 इंच का। मैंने यहाँ पे हाइड्रेट केक टिन लिया है। एंड फ्रेंड्स, मैं अब इसमें ये बैटर पोर कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे मिनी केक बनाना था, इसलिए मैंने छोटा वाला ही केक टिन लिया है। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं इसे अच्छे से टैप कर दूंगी, फिर सारे एयर बबल्स निकाल दूंगी। एंड फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे ओवन में बेक कर सकते हैं 180 डिग्री टेम्परेचर पे फॉर 25 मिनट्स। फ्रेंड्स, मैं इसे एक पतीले में बेक करूंगी। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने इस पतीले को 10 मिनट पहले लो फ्लेम पे प्रीहीट कर लिया था और मैं इस केक टिन को इसमें डाल दूंगी और इसे मैं ढक दूंगी। और फ्रेंड्स, इसे मैं 25 से 30 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे बेक होने के लिए रख दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने इसे 25 मिनट्स के बाद निकाल लिया है और अब मैं इसे अच्छे से ठंडे होने के लिए रख दूंगी। सो फ्रेंड्स, ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसे डीमोल्ड करने के लिए नाइफ की हेल्प से इसे मैं डीमोल्ड करूंगी, इसके साइड्स को अलग करूंगी स्किन से। एंड फ्रेंड्स, मैं अब एक केक बोर्ड लूंगी, उस पर मैं ये केक टिन पलट के रख दूंगी और इसके ऊपर मैं एक से दो बार टैप करूंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, अब मैं इसके पार्चमेंट पेपर को हटाऊंगी। सो फ्रेंड्स, ये देख आप देख सकते हैं ये कितनी ईजिली ये निकल गया। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना हाइटेड और कितना अच्छा स्पॉन्ज बना है, मुझे जैसा चाहिए था ये बिल्कुल वैसा ही बना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं इसे लेयर्स में कट करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसे मैं कट करने के लिए किचन वाली नाइफ का यूज़ करूंगी। आप चाहें तो सेरेटेड नाइफ या थ्रेड की हेल्प से भी इसे कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे किचन वाले नाइफ से कट किया। एंड फ्रेंड्स, आप स्पॉन्ज को देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी है। और फ्रेंड्स, आप ये भी देख सकते हैं इसके क्रम्स बहुत कम निकल रहे हैं, बिल्कुल माइनर क्रम्स निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसे कितना ईजिली कट हो रहा है। एंड फ्रेंड्स, मैंने इस केक के 4 लेयर ये है, मैंने इसे 4 लेयर्स में काटा है। तो फ्रेंड्स, आप 3 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नाउ फ्रेंड्स, अब एक बाउल में मैं व्हिपिंग क्रीम लूँगी और इससे मैं
अच्छे से बीट कर लूंगी बीटर के हेल्प से स्टिप पिक्स होने तक। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसे सॉफ्ट पिक्स होने तक बीट करूंगी। एंड सो फ्रेंड्स, ये सॉफ्ट पिक पे आ गया है, आप देख सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं इसमें कॉफ़ी गनाश डालूंगी 2 टेबलस्पून। एंड फ्रेंड्स, ये कॉफ़ी गनाश मैंने आपको कॉफ़ी चॉकलेट वाली रेसिपी में बताया था। अगर आपने मेरी वो रेसिपी नहीं देखी है तो फ्रेंड्स, वो आपको आई बटन में मिल जाएगी, उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। सो फ्रेंड्स, अब मैं इसे अच्छे से बीट कर लूँगी स्टिफ पिक्स होने तक। फ्रेंड्स, मैं इसे हार्ड पिक्स होने तक बीट नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको स्टिप पिक्स होने तक ही इसे बीट करना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से बीट हो चुका है, ये बिल्कुल स्टिफ है, ये बिल्कुल परफेक्ट क्रीम है हमारे केक के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितना स्टिफ है। नाउ फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे वाटर लिया है एक बाउल में, और उसमें मैं 1 टीस्पून कॉफ़ी गनाश डालूंगी। एंड फ्रेंड्स, मैं इसे स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स करूंगी। और फ्रेंड्स, मैं इसे कॉफ़ी शिरप बना लूंगी अपने केक को मॉइस्ट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक केक बोर्ड लिया है, उस पर मैं थोड़ा सा क्रीम अप्लाई करूंगी। एंड फ्रेंड्स, मैं इस पर अपने केक की पहली लेयर रखूंगी और इसे मैं कॉफ़ी शिरप से अच्छे से मॉइस्ट करूंगी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वीडियो में दिखाए गए तरीके से। एंड नाउ फ्रेंड्स, मैं इस पर अपना क्रीम रखूंगी और पैलेट नाइफ की हेल्प से मैं इसे अच्छे से फ्रॉस्टिंग करूंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वीडियो में मैं इसे पैलेट नाइफ की हेल्प से इसे मैं फ्रॉस्टिंग करूंगी। और फ्रेंड्स, मैं इस पर 1 टीस्पून कॉफ़ी गनाश डालूंगी। आप इस गनाश की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं इस पर केक की सेकेंड लेयर रखूंगी, इससे भी मैं कॉफ़ी शिरप से अच्छे से मॉइस्ट करूंगी। और फ्रेंड्स, मैं इसे क्रीम से अच्छे से फ्रॉस्टिंग करूंगी। और अगर मैं इसमें 1 टीस्पून कॉफ़ी गनाश डालूंगी और इसे भी मैं पैलेट नाइफ की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। और मैं फ्रेंड्स, केक की थर्ड लेयर रखूंगी और इसे भी मैं कॉफ़ी सिरप से अच्छे से मॉइस्ट कर दूंगी और इसमें मैं फिर से क्रीम अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वीडियो में दिखाए गए तरीके से। सो फ्रेंड्स, मैं अगेन सेम प्रोसेस करूंगी 3 लेयर्स में। एंड फ्रेंड्स, अब मैं इस पर अपनी लास्ट लेयर रखूंगी केक की। एंड फ्रेंड्स, मैं इसे भी अच्छे से मॉइस्ट करूंगी और इस पर भी मैं अच्छे से फ्रॉस्टिंग करूंगी। और फ्रेंड्स, अब मैं क्रम कोटिंग करूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसे फाइनल कोटिंग नहीं करूंगी, पहले मैं क्रम कोटिंग करूंगी, क्रम्स को अच्छे से सेट करूंगी, जिससे कि जब मैं इसे फाइनल कोटिंग करूँ तो फ्रेंड्स क्रम बाहर ना निकले, ये अच्छे से सेट हो जाए और हमारा जो फाइनल कोटिंग हो वो बहुत ही स्मूथली हो। फ्रेंड्स, में क्रम्स नहीं आने चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले क्रम को सेट कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, आप भी सेम प्रोसेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैंने अच्छे से क्रम कोट कर दिया। अब मैं इसे रेफ्रिजरेटर में एटलीस्ट 1/2 आवर के लिए अच्छे से ठंडे होने के लिए रख दूंगी। सो फ्रेंड्स, 1/2 आवर के बाद मैंने इसे निकाला है रेफ्रिजरेटर से और अब मैं इस पर फाइनल कोटिंग करूंगी। सो फ्रेंड्स, मैं इस पर क्रीम अप्लाई करूंगी और पैलेट नाइफ की हेल्प से मैं इसे अच्छे से फ्रॉस्टिंग करूंगी। फ्रेंड्स, मैं फाइनल कोटिंग बहुत ही स्मूथली करूंगी इस पर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वीडियो में दिखाए गए तरीके से। एंड नाउ फ्रेंड्स, मैं स्क्रैपर की हेल्प से इसे मैं अच्छे से स्मूथ कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप भी स्क्रैपर का यूज़ ज़रूर करें। आप स्क्रैपर की जगह पे कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, ATM कार्ड का, या तो फिर आप OTP सीट भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं इसके ऊपर के साइड को भी अच्छे से स्मूथ कर दूंगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वीडियो में दिखाए गए तरीके से। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं इसे 1/2 घंटे के लिए अच्छे से चिल होने के लिए रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, 1/2 घंटे के बाद मैंने इसे रेफ्रिजरेटर से निकाल दिया था। तो फ्रेंड्स, इस कॉफ़ी गनाश में मैंने थोड़ा सा कुकिंग क्रीम डाल के इसे हल्का सा फ्लोई कंसिस्टेंसी में लाया। और फ्रेंड्स, अब मैं इसे केक के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। फ्रेंड्स, मैं इसे पूरे केक को कवर कर दूंगी।
सो फ्रेंड्स, अगर ये केक ठंडा रहेगा तो बहुत ही आसानी से इसके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप फाइनल कोटिंग करने के बाद तुरंत ही इसे अप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स आपकी क्रीम निकलने के चांसेस बहुत हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से कवर कर दिया है। एंड फ्रेंड्स, अब मैं पाइपिंग बैग में क्रीम फिल करके नॉजल से मैं इसके ऊपर डिज़ाइन करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले इसके ऊपर में मैं अच्छे से डिज़ाइनिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो, फ्लावर्स बना सकते हो, इच्छा आप वैसे इसे डेकोरेट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब मैं बॉर्डर पे स्टार शेप में सेम नॉजल से बना लूँगी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वीडियो में दिखाए गए तरीके से। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। तो अब मैं एक कुकी कटर लूँगी हार्ड शेप का। फ्रेंड्स, मैं इसे सेंटर में रख दूँगी। और मैंने आप एक पाइपिंग बैग में व्हिपिंग क्रीम ले लिया था और फ्रेंड्स मैंने रेड कलर कर दिया था। और फ्रेंड्स, मैं इसे हार्ट में फिल करूँगी। सो फ्रेंड्स, ये अच्छे से फिल हो चुका है। तो अब मैं इस कुकी कटर को उठा लूँगी इससे। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा कितना क्यूट सा हार्ट बनके रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा केक बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, मैं आपको इस केक के लिए टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप इसे कट करें, एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए इसे अच्छे से सेट होने के लिए रख दें। इससे ये बहुत ही स्मूथली कट जाएगा। एंड फ्रेंड्स, इसके जो लेयर्स होंगे वो आपको बहुत ही अच्छे से दिखेंगे, मैसी नहीं दिखेंगे ना। फ्रेंड्स, मैंने इसे हाफ एन आवर के बाद रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया था। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस केक को कट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना स्मूथली कट रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो केक चिल है इसलिए वो बहुत ही स्मूथली कट रहा है। नाउ फ्रेंड्स, आप इसके लेयर्स देख सकते हैं कितना अच्छा है। एंड फ्रेंड्स, इसका जो टेस्ट था वो बहुत ही ऑसम था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस रेसिपी को हाईली रिकमेंड करूँगी, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करें। एंड फ्रेंड्स, किसी भी ओकेज़न में बनाए ये बहुत ही अच्छा है। एंड फ्रेंड्स, ये आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, हैप्पी बेकिंग।